नैनी झील में तैरते शव को देख इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नाविकों ने चाटन लॉज निवासी सुरेश राम के रूप में की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। अभी आज प्रातः एक व्यक्ति का शव नैनीताल के तालाब में बरामद हुआ है। इसकी पहचान सुरेश राम निवासी राजपुरा के रूप में हुई है। पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में थाने पर 6/7/2018 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिसकी तलाश की जा रही थी। आज का शव जो है नैनीताल के तालाब में तैरता हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया डूबने से इसकी मृत्यु प्रतीत होती है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। आपको बता दें कि सुरेश 5 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मल्लीताल कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पंजाब के सीटीवी के लिए नैनीताल से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट।